एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। आज मैं आप लोगों के साथ ब्यूटीफुल सा प्रिंसेस बन हेयर स्टाइल शेयर करने वाली, जो कि बहुत इजीली आप बना लोगे और बहुत आसानी से बन जाएगा एंड ओपन बालों में काफ़ी स्टाइलिश लगेगा। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। प्रिंसेस हेयर स्टाइल मतलब जैसे आपको ओपन हेयर में ही कुछ अच्छा सा स्टाइल दूंगी, फ्रंट से हेयर को कर्ल कर लेंगे जिससे कि बालों का जो लुक होगा वो बहुत प्यारा आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आपको लेना अपने क्राउन एरिया से थोड़े से हेयर, मैं अभी अपने हेयर को कट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे लॉन्ग हेयर चाहिए जिससे मैं आपको लॉन्ग हेयर के भी हेयर स्टाइल बता पाऊँ। अभी तक तो मेरे चैनल पे आपको सारे शॉर्ट हेयर के ही हेयर स्टाइल मिलेंगे। तो इस तरीके से क्राउन एरिया से थोड़े से हेयर ले ले रही हूँ मैं, हल्का सा ट्विस्ट करेंगे देन ऊपर की तरफ पुल करेंगे जिससे कि हमारे बालों में एक अच्छा सा पफ आ जाए, पफ बन जाए। अब आपको यहाँ पर क्लिप लगा देना है, दो क्लिक से आप अच्छे से अपने पफ को सेट कर लीजिए। ओके, इस तरीके से क्रॉस करते हुए सेट कर लीजिएगा। बहुत हाई पफ नहीं बनाया है मैंने, आपको जितना चाहिए होगा आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक क्लिप और लगाऊंगी, अच्छे से जितनी क्लिप में आपके हेयर अच्छे से होल्ड हो जाए उतनी क्लिप्स आप ऐड कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि बाद में आपका जो पफ है वो खुल जाए। तो ये हमने बना लिया, यहाँ पे अच्छे से टाइट कर लेंगे पफ को एंड बहुत ज़्यादा ऊंचा पफ नहीं बनाया है मैंने। अब क्या करना है आपको, साइड से अगर आपके फ्रंट से हेयर बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा हेयर में क्रिम्पिंग कर लेना जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो अच्छा दिखेगा। अब आपको हेयर को लेना है देन सिंपली साइड साइड से फ्रेंच चोटी बनानी है। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा हेयर ऐड करते जाना है और चोटी को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से और लेयर्स को फेस पे ज़रूर रखना है जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो थोड़ा और अच्छा दिखे। दोनों साइड से इस तरीके से हेयर ऐड करते जाना है अपनी चोटियाँ जो बना रहे हो आप उसमें, और मैं इस तरीके से लेयर्स को अपने फेस पे रख रही हूँ। आप इस टाइप का हेयर स्टाइल बना रहे हो तो आपका फेस किसी भी टाइप का हो आपको लेयर्स ज़रूर रखने हैं फेस पे। अब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हेयर ऐड करते जाना है और चोटी बना लेना है एक। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हेयर को साइड साइड से खींचेंगे जिससे कि जो आपका हेयर स्टाइल है वो बहुत अच्छा दिखेगा। अब इस तरीके से इसको बैक साइड में लेके जाएंगे और अपने जहाँ पे क्लिप ऐड किया था वहीं पे इसको भी चोटी को ले जाके ऐड कर देंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा साइड से इसका लुक हेयर स्टाइल का। अब सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी गूँथ लेना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, थ्री पार्ट्स में पहले छोटा सा लेयर लेंगे और थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और जैसे सिंपल आप फ्रेंच चोटी बनाते हो वैसे ही बनाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा हेयर ऐड करते जाएंगे, इसमें पतला पतला सेक्शन लीजिएगा। इस तरीके से एकदम पतला पतला सेक्शन लेके चोटी को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से पूरा चोटी को कंप्लीट करेंगे जैसे हमने इस साइड में बनाया था वैसे ही। अब इस तरीके से बना लिया है देन इसको थोड़ा थोड़ा सा खींचेंगे जिससे कि हमारा जो चोटी है उसमें लुक अच्छा सा आ जाए।
ओके, इस तरीके से खींचने से बहुत अच्छे से आपका जो ब्राइड है वो बहुत अच्छा से दिखेगा। ये देखिए, इस तरीके से अब इसको भी बैक में लेके जाएंगे और यहाँ पे इसको क्लिप से सेट कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद से यहाँ पे हमने क्लिप सेट कर दिया। ओके, देखिए कितना प्यारा सा लुक आया है यहाँ पे बालों का हमारे। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा लेयर ले लेना है बालों का यहाँ से और इसको बना देना है एक सिंपल सी चोटी। सिंपल सी चोटी गूंथ लेनी है एंड तक पूरा। पूरा एंड तक जब आप गूंथ लोगे तो इसको भी थोड़ी थोड़ी सी लूजिंग ऐड कर देनी है बालों में। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से इस तरीके से ट्विस्ट करना है, देन ट्विस्ट करके पूरा जहाँ पे आपने क्लिप लगाया हुआ है क्लिप को हाइड करते हुए यहाँ पे इसको बॉबी क्लिप से सिक्योर कर देना है और इस तरीके से हेयर स्टाइल को सेट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा हमारा हेयर स्टाइल यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। तो आई होप कि आज का हेयर स्टाइल आपको पसंद आया हो एंड स्टाइलिश लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। और जो नीचे के हेयर्स बचे हैं इसमें कर्ल्स कर देना है जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है और भी स्टाइलिश दिखेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि और भी इस तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।